सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस थंबनेल तो आपने आज देख ही लिया होगा। जो आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ वो रहेगा आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 की भर्ती परीक्षा के बारे में, कि क्या कहा रिक्रूटमेंट सेल वालों ने। जो आईटीबीपी का जो नंबर है 0112436 9483, जिसे हम जैसे सिविल लोग, सिविल पीपल, सिविल स्टूडेंट्स अब जाके कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं भर्ती परीक्षा के बारे में कि क्या कब भर्ती कब होगी, क्या होगा हर एक चीज़। तो दोस्तों मैंने आज कॉल किया, आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं जूम करूं। दोस्तों मेरी कुल मिला के आज एक मिनट बात हुई थी। दोस्तों एक मिनट मेरी बात इसलिए हुई थी दोस्तों क्योंकि वो भी काफ़ी जल्दी में थे, ठीक है, और जल्दी होने के कारण उनको भी काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रखी है, तो गाइज मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगा, इसलिए मैं वीडियो बता रहा हूँ। तो आईटीबीपी का दोस्तों जवाब आ चुका है, कॉल डिटेल्स आप देख लो दोस्तों, कॉल डिटेल्स आज ही है, ठीक है। ये देखिए 31/8/2020 3:21 पे दोस्तों मैंने कॉल की थी। तो गाइस प्लीज़ जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन तब भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो गाइस जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उनके माध्यम से मैं आज आपको बताऊँ। तो दोस्तों उन्होंने बोला है कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती परीक्षा है ये आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात इसमें ऐड करने के लिए बोल रखा है कि अगर COVID-19 के कारण सिचुएशन और ख़राब होती है तो इस भर्ती परीक्षा को टाला भी जा सकता है गाइस, ठीक है, इस भर्ती परीक्षा को टाला भी जा सकता है। लेकिन जो अभी जो इसकी डेट है, जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच की है। कोई पुख्ता तारीख नहीं है, कोई 1, 2, 4, 5 ऐसा कोई भी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑल इंडिया 28 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे और मोर देन 20,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, मेरा सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने बोला सर 4545 बच्चे हैं। दोस्तों जो आपने आरटीआई की थी ना, जिस बंदे ने वीडियो बना के आरटीआई की थी ना, तो आरटीआई फेक थी वो, उस बंदे ने आरटीआई को भी एडिट कर रखा था। आरटीआई में कभी भी इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देते। हमने यार 50 बार आरटीआई की, हमें एक रिप्लाई ढंग का ही नहीं मिला, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो, खुद भी आप आरटीआई करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपको लग जाएगा पता। 20 से 25 हज़ार उम्मीदवार पेपर में बैठेगा, एग्ज़ाम देगा। तो अभी तो यही न्यूज़ मिल रही है आईटीबीपी वाले ऑफिशियल जो होते हैं, जो रिक्रूटमेंट सेल पे वहाँ पे बैठे होते हैं कस्टमर केयर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी भर्ती परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये अपडेट मेरे को दिया है आईटीबीपी के ऑफिशियल्स ने, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, उनको मैंने ये भी बोला सर कि एटलीस्ट आपको अपडेट देना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, कुछ ना कुछ जो प्रोसेस चल रही है उसका अपडेट देता रहा करो सर वेबसाइट के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि यार प्रोसेस चल रही है, हमारे हाथ में नहीं होता अपडेट करना, हमारे हाथ में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है जब कोई कॉल वगैरह करता है, तो ठीक है। तो गाइस ये थी अपडेट आपको मैंने देनी थी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के भर्ती परीक्षा के बारे में। आई होप सो आप इस न्यूज़ से, इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो गए होंगे कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और अगर COVID-19 की वजह से हालात और ख़राब हुए, केसेस और बढ़े, तो इसको टाला भी जा सकता है। लेकिन अभी की जो पुख्ता न्यूज़ है, पुख्ता जो डेट है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रखा गया है। आई होप सो आप सेटिस्फाई होंगे इस इन्फॉर्मेशन के कारण। अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।